ये किसका है? ये आप लोगों का काम है आज के बाद। इंसानियत क्या है, मानवता क्या है? आज पूरे देश में सुनियोजित ढंग से पाखंडी लोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिसकी शाखा नागपुर में है, जिसने कभी राष्ट्रीय झंडा अपने यहाँ नहीं फहराया, 2014 के बाद उसने राष्ट्रीय झंडा फहराने का काम, सब आप लोग राजनीति के लोग हैं और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं। इस राष्ट्रीय जनता दल ने श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में और तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में, जनता के नेतृत्व में एक नया रोशनी, एक नया रास्ता दिखाने का काम किया है। हम उसके बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों ने, माननीय मंत्री जी ने भी विस्तार से उस पर अपने विचार को रखा है और कुछ साथी चले गए अपने विचार को रख करके। किशन पटेल साहब ने भी थोड़ा हम लोगों को इनर्जाइज करने का कोशिश किया था, मैं उनके विचारों का भी समर्थन करता हूं। साथियों, आप या आपदा प्रबंधन के इस कार्यक्रम में, प्रकोष्ठ के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मुझे लग रहा है कि आप सब एनडीआरएफ के नौजवान साथी हैं। एनडीआरएफ का क्या काम है? संकट के समय, विपदा के समय जो कोई नहीं खोज सके उसको खोज के निकाले और पकड़ के उसको राहत देने का काम करे, और वो छाया आगे मैं आप में देख रहा हूं। एनडीआरएफ क्या पकड़ना है, क्या खोजना है? एक है नदी में खोजने वाला काम, आकाशीय कोई अगर आपदा आता है उस पर, या विशेष परिस्थिति में कोई घटना दुर्घटना होती है, मैं उसको विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, आपके कागज में लिखा हुआ है और आप लोगों ने पहले सुना है, उसकी तलाश करना। लेकिन सब आप लोग राजनीति के लोग हैं और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं। इस राष्ट्रीय जनता दल ने श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में और तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में, जगदानंद सिंह के नेतृत्व में एक नया रोशनी, एक नया रास्ता दिखाने का काम किया है। इसलिए अब उस राष्ट्र के आप एनडीआरएफ के जवान, इनको आगे, उस वाहन को आगे बढ़ाना। क्या लिखा हुआ है? हक, न्याय, सत्य के लिए लड़ना है। और हक और न्याय और सत्य क्या है? इंसान का गोत्र, जाति नहीं, मानवता है। ये किसका है? ये आप लोगों का काम है आज के तारीख में। इंसानियत क्या है, मानवता क्या है? आज पूरे देश में सुनियोजित ढंग से पाखंडी लोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिसकी शाखा नागपुर में है, जिसने कभी राष्ट्रीय झंडा अपने यहां नहीं फहराया, 2014 के बाद उसने राष्ट्रीय झंडा फहराने का काम, और हमारे बीच में सुनियोजित ढंग से एक नई अवधारणा पैदा करने की कोशिश किया, और हम सब लोग भी जानकारी के अभाव में और साथ ही साथ विश्लेषण के अभाव में गलत चीज को ही मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। नतीजा यह हुआ कि आज के तारीख में धार्मिक कट्टरता इतनी तेजी से बढ़ गई है, इतनी तेजी से बढ़ गई जिसका कोई जवाब नहीं है। और इस धार्मिक कट्टरता को दिल्ली में बैठी हुकूमत आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये जो एनडीआरएफ के जवान लोग हैं, यह बैठक हुए, हमको किस धारा को लेकर आगे चलना है? हमको लेकर चलना है प्रेम, मोहब्बत, मानवता और इंसानियत का, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा। और दूसरे लोग क्या लेके चलते हैं? दूसरे लोग लेके चलते हैं कि एक बार केवल कहा, दो तीन दिन पहले जगदानंद जी ने
कि बताओ ये जो तुम बता रहे हो ना, अब पूरा देश में खलबली पैदा हो जाता है पाखंडियों के बीच में। इसलिए पैदा हो जाता है कि वो घबराता है कि सही बात का उजागर कर रहा है और हल्ला करके लोगों के बीच में भय और दहशत पैदा करना चाहता है। तो मैं इस बात के लिए मैं अपने नेता मार्गदर्शक पुराने समाजवादी आदरणीय जगदानंद सिंह जी का आप सब लोगों की ओर से इस विचार के लिए समाजवादी विचार को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूं। बिहार के उद्योग मंत्री आदरणीय समीर महासेन जी, प्रधान महासचिव राज्य